हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वेंगल लैंसन के साथ बाढ़ में आया हुआ था और वो अपने दोस्तों से मिलता है। तब उसे पता चलता है लैंसन उसके फ्रेंड नी हुसैन का नेफ्यू है, जिसे जानकर वो काफी सरप्राइज होता है। वहीं नी हुसैन लैंसन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, तुम दोनों सच में प्रॉमिसर नहीं हो ना? जिस पर लैंसन कहता है, बिल्कुल भी नहीं है। नी हुसैन स्माइल के साथ कहता है, फिर ठीक है। वैसे वी ब्रदर मेरे स्कूल टाइम से ही मेरे सीनियर रहे हैं और मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। फिर वो लैंसन को विंग के बारे में काफी कुछ बताने लगा। साथ में वो सबका इंट्रो लैंसन से कराता है, ये जंगसा है, ये जिया है, ये सुयांग, ऐसे करके वो सबसे सबका इंट्रो लैंसन को देता है और सभी फॉर्मल होकर लैंसन से बातें करते हैं। वहीं विंग तो अब इरिटेट हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सभी उसकी बुराई करने के शुरू हो गए। कैसे दोस्त मिले हैं उसको, उसके बारे में इतना बुरा सोचते हैं, उसकी हर एक बैड साइड ही बता रहे हैं, गुड साइड कौन बताएगा? मुझे ना इन लोगों से लैंसन को मिलवाना ही नहीं चाहिए था। नहीं हुसैन को भी ना नहीं पता चलता। मैं लैंसन से बातें करता हूँ और ऐसे ही सोचते हुए वो ड्रिंक कर लेता है और वो देखता है लैंसन उसे तीसरी नजर से देख रहा है। जब विंग उसकी तरफ देखता है तो लैंसन अपनी नजर फेर लेता है। विंग तब छोटे से स्माइल करते हैं और वो लैंसन की तरफ करीब आकर उसके ईयर्स में कहता है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम चलते हैं यहाँ से। वैसे भी ये सब बस ड्रंक होकर यहाँ बस पड़े रहेंगे, चलो हम साथ में अकेले टाइम बिताएंगे। लैंसन फिर से विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी बातों पर नोट करता है। तब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नी हुसैन और बाकी सब पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लैंसन को फर्स्ट रूम जाना था तो मैं बस उसे एक कंपनी देने जा रहा हूँ। जिस पर नी हुसैन कहता है, पर उसकी एक जरूरत क्या है, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। पर विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं हम बाद में बात करेंगे। और वो लैंसन को खींचता वो वहाँ से ले जाने लगते हैं। नी हुसैन फिर कुछ नहीं कहता, बस साय करता है। विंग लैंसन से कहता है, क्यों ना हम डांस करें? और वो ऐसा कहकर उसे स्टेज में ले आते हैं। पहले तो लैंसन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी उसे स्टेज पर डांस कर रहे थे, और वो विंग का हाथ बहुत टाइटली होल्ड करते हैं और अपने थंब को उसके हैंड पर रब कर रहा था। तो विंग उसे कहता है, क्या हो गया, तुम्हारे सकल पर ये 12 कैसे बज गए? क्या तुम्हें डांस करने नहीं आता? सिर्फ तुम्हें अपनी कमर तो हिलानी है। लैंसन की तो आँखें भी बड़ी हो जाती हैं और उसका मुँह भी खुल जाता है। वो विंग को कुछ कहने वाला था। विंग उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर देता है। वो दोनों बहुत ही क्लोज थे, उनमें कोई गैप नहीं था और लैंसन की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। विंग के इतना करीब आने पर उसकी हार्ट बीट भले ही म्यूजिक की आवाज़ में दब गई हो, पर लैंसन को समझ आता उसका दिल कितना जोर से धड़क रहा है। कलरफुल लाइट में विंग का फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। वो दोनों ऐसे ही वहाँ पर बहुत ही क्लोज खड़े हुए थे। तभी एक गर्ल्स उन्हें इंटरप्ट करती है। विभूषण लेंस से दूर हो जाता है और उस गर्ल्स का फेस देखता है तो वो स्माइल के साथ कहता है, हे ब्यूटीफुल, क्या हम पहले मिले हैं? जिस पर वो गर्ल्स कहती है, विंगा अब मुझे भूल गए, हमने पहले कभी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और आप बहुत अमेजिंग थे। वो विंग के पंजों को पकड़ती हुई कहती है और फिर लेंस की तरफ अपनी नजर ले जाकर कहती है, वैसे ये आपके साथ कौन है? ये बहुत हैंडसम है। और ये वो विंग के कानों पर कह रही थी। वो दोनों क्लोज होकर आपस में ही बातें कर रहे थे, जहाँ पर लैंसन ये सब देखकर पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसका मन कर रहा था उस लड़की को हटाकर वो विंग को अपनी साइड खींच ले। वो अपना दांत पीसता है, वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो तुरंत उस स्टेज से उतर जाता है और बाल काउंटर के पास आ जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था। विंग उसके साथ आया तो उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर उस लड़की के आने के बाद से विंग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और उसे छोड़ उस लड़की के साथ डांस कर रहा है। वो गुस्से में था तो उसने ड्रिंक ऑर्डर कर दिया और उसे पी भी लिया और वहाँ बैठा ड्रिंक करते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था जो वहाँ स्टेज पर झूम रहा था। वहीं विंग डांस करता हुआ अब लैंसन को ढूंढने लगा। उसे लैंसन बाल काउंटर के पास दिखता है और वो थोड़ा सरप्राइज होता है, लैंसन ड्रिंक कर रहा है। लैंसन भी दिखता है, विंग उसकी तरफ देख रहा है और वो उसके पास आना जा रहा था, पर वो लड़कियाँ उसे आने नहीं दे रही थी। त
तब लैंसन अपनी जगह से उठता है और स्टेज में आ जाता है। अब उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो नशे में था, तो वो स्टेज में आते हुए विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। उसने एक हाथ से विंग के शोल्डर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने विंग के बेल्ट को पकड़ा था। विंग अपनी नज़र नीचे कर देख रहा था, अगर लैंसन चाहे तो वो उसके पेंट पर उसका हाथ घुसा दे। वो तब लैंसन की आंखों में देखने लगा था। लैंसन ड्रंक हुआ कहता है, मुझे भी आपके साथ डांस करना है। वो तो बस विंग के ऊपर चढ़े जा रहा था। विंग उसे संभालता हुआ कहता है, लैंसन तुमने आखिरकार ड्रिंक कर ली थी। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगा, पर लैंसन कहता है, ना ना मैं अब नहीं जाऊँगा, मुझे फन करना है। क्या नहीं चाहते मैं डांस करूँ? वो बहुत ही क्यूट पाउट बनाकर कहता है। विंग छोटे से स्माइल के साथ लैंसन के चिक्स पर अपने हाथ फैलाने लगता है। लैंसन उसके उस हाथ को अपने हाथों में लेता है और उस पर किस कर लेता है। विंग तो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसके सॉफ्ट लिप्स जो उसकी हैंड पर टच हुए, वो सच में आगे बढ़कर लैंसन को किस करना चाह रहा था, पर यहाँ बस नहीं, क्योंकि वो जानता है वो काफी ग्रीटी है और उसका मन ऐसे तो भरेगा नहीं। और वो लैंसन को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, पर लैंसन अब उसके साथ इतनी आसानी से तो चलने वाला नहीं था। वो विंग से दूर होता है और बाकियों के साथ स्टेज पर डांस करने लगता है। वो तो पहले स्टेज पर कूद रहा था, पर अगले ही पर वो एक राउंड लगाता है स्टेज में और अपनी सेक्सी मूव के साथ वो काफ़ी अच्छा डांस करने लगता है, जिसे देख तो वह सब चिल्लाने लगते हैं और उसके डांस मूव को कॉपी भी करने लगते हैं। सभी के साथ लैंसन को विंग बस एंजॉय करता हुआ देख रहा था और वो सबके सामने इतना सेक्सी डांस कर रहा था। विंग तो बस कड़ा कड़ा उसकी तरफ देख रहा था। तब लैंसन उसे किस कर उसे डांस करने के लिए कहता है। दोनों ही साथ में वहाँ स्टेज पर काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों ही थक कर बाउट कंडर के पास आ जाते हैं। विंग लैंसन को संभालता हुआ चेयर पर बैठा देता है। लैंसन गिरी गिरी सांसें ले रहा होता है और स्माइल किया जा रहा होता है। उसने आज से पहले कभी इस तरह से इंजॉय नहीं किया था, क्योंकि वो लोगों के बीच कभी आ ही नहीं पाता था। पर विंग की वजह से आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग भी उसके सामने वाली चेयर में बैठ जाता है। लैंसन देखता है विंग के पास वही गर्ल्स उसके पास वापस आ रही है। तब लैंसन जो हरकत करता है, विंग तो उससे सॉफ्ट हो जाता है, पर वो स्माइल करता है। लैंसन तो उसकी गोद पर आकर बैठ चुका था और कहता है अपनी स्वीट वॉइस में, गक्का विक्का मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे यहाँ से जाना है और मुझे सोना है। वो तो ऐसा कहकर विंग के नेक में अपना फेस छुपा लेता है। और विंग बस मन में कर्ज कर रहा था, प्रीटी बॉय इस तरह की बातें मत करो और तुम मेरे इतने करीब क्यों आते हो, मैं खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, तुम्हें क्या पता मेरे दिमाग में तुम्हें लेकर कितने डरी ठॉट है। वो लड़की जो पहले विंग से बातें कर रही थी, वो मटकते हुए विंग के सामने आकर बड़ी स्टाइल के साथ विंग के सामने चेयर पर बैठ जाती है और उसे थोड़ा टीज करती हुई कहती है, क्या तुम आज इसके साथ वो सब करने वाले हो? और वो ऐसा कहते हुए खुद भी ब्लश कर रही थी। विंग जवाब तो नहीं देता, बस रोज की तरफ देखता है। रोज जो उसकी कभी सेक्स पार्टनर रह चुकी है और वो सच में बहुत अमेजिंग रही थी। रोज विंग को अपनी तरफ खुलते हुए देखकर कहती है, क्या हो गया, क्या तुम्हारा मूड चेंज हो गया, क्या इसकी जगह अब तुम मुझे चाहते हो? ये सुनकर विंग हंसता है और कहता है, मैं तो नहीं, पर लगता है तुम मुझे चाहती हो, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम फिर से उसी होटल रूम में आ सकती हो जहाँ हमने पहले भी कच्चा टाइम स्पेंड किया था, पर आज नहीं। ये सुनने के बाद रोज थोड़ा सैडली साई करती हुई कहती है, ओके फाइन, फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके बेब्स। और वो ऐसा कहकर विंग के चिक्स में किस करके वहाँ से चली जाती है। विंग तब लैंसन से कहता है, लैंसन मेरी नेक पर अपनी नोज रब करना बंद करो। जब विंग ऐसा कहता है तब लैंसन उसी नेक पर बाइट कर लेता है। विंग दर्द में थोड़ा आवाज करता हुआ कहता है, और वाइल्ड किटी मुझे बाइट मत करो। लैंसन फिर से उसे बाइट करता है और
उसकी तरफ देखता है पाउट बनाकर और अपना एंग्री सा फेस लिए ही कहता है, तुम बहुत गंदे हो डर्टी मैन। और वो विंग के चेस्ट पर अपना पंच मार रहा था स्लोली स्लोली, तब वो विंग कहता है, अच्छा तो मैं डर्टी हूँ, तो फिर तुम इस डर्टी मैन के पास क्यों आते हो, क्यों उसके गोद में बैठे हुए, चलो जाओ यहाँ से, चलो उठो। लैंसर अपना मुंह फुलाकर कहता है, कौन तुम्हारे पास आता है, मैं नहीं आना चाहता, पर क्या करूं, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम्हें नहीं पता तुम कितने स्पेशल हो, पर तुमको समझते ही नहीं हो, स्टूपिड स्टूपिड। और वो विंग को पंच मार रहा था, उसे नोच रहा था, तब विंग उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, वाइल्ड किटी स्टॉप इट, अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही तो मैं तुम्हें अपने गोद से उतार फेंकूंगा, मैं किसी को भी इतनी देर तक होल्ड करके नहीं रखता। लैंसन गुस्से से देखता है और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, अपने पैर हिला रहा होता है और फिर से विंग के नेक को फाइल लिली बाइट करने की कोशिश करता है और उन दोनों को ऐसे ही नी उसे देखता है और कहता है, तुम लोगों ने तो कहा था तुम लोग बॉयफ्रेंड नहीं हो, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। विंग जब नी हुसैन को देखता है तो कहता है, हम सच में बॉयफ्रेंड नहीं है, पर फिलहाल इसने ड्रिंक कर ली है और ये मुझे खाना चाहता है, ये ड्रिंक करने के बाद कितना वाइल्ड हो चुका है। और वो लैंसन को संभालते हुए कहता है, वाइल्ड किटी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं फेंक रहा हूँ, ठीक है। और सच में लैंसन शांत हो चुका था, जो कब से विंग के गोद में छटपटा रहा था, और उसकी ऐसी हरकतों की वजह से विंग के प्राइवेट पार्ट पर तो कभी बुरी तरह से असर पड़ रहा था, वो तो बाहर निकलने जाता था। लैंसन जब थोड़ा शांत होता है तो विंग रेस्ट करता है। वहीं नी हुसैन मुंह बनाकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर फिलहाल के लिए इसके ड्रंक होने का एडवांटेज मत लो और इसे इसकी अपॉइंटमेंट छोड़ देना, इसे लैंड मैनेजर मत ले जाना, वरना वो बुढ़ा कुरियन इसको पनिश करेगा। तो विंग कुरियन के बारे में नी हुसैन से पूछता है, तो नी हुसैन बताता है कुरियन उसका गार्जियन है और उसने ही लैंसन को बड़ा किया है। विंग नोट करता है और नी हुसैन उसे अपार्टमेंट का एड्रेस बता देता है, क्योंकि वो जानता है विंग एक अच्छा पर्सन है और वो लैंसन के साथ गलत तो नहीं करेगा, पर वो ये भी नहीं चाहता विंग और लैंसन रिलेशनशिप पे आ जाए, क्योंकि बाद में लैंसन को ही हर्ट होगा। पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी इस मामले में नहीं कह सकता था और खुद अपने बॉयफ्रेंड पनी के साथ डांस फ्लोर की तरह चला जाता है। वहीं विंग लैंसन को लेकर उस क्लब से बाहर आ जाता है और सहारा देते हुए लैंसन को वो कार की तरफ लेकर जाने लगता है। लैंसन उसकी नेक पर अपना हाथ डाला हुआ था और विंग उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे ले जा रहा था। लैंसन को तो मस्ती सूझी थी, वो विंग के क्लोथ को उसके शोल्डर से हटाने की कोशिश करने लगता है तो अपने दूसरे हाथ से विंग के चेस्ट पर पिंच किया जा रहा था और विंग के ऊपर लगभग चढ़े जा रहा था। विंग अब इस सबसे परेशान होकर उसे कार के पास लाकर पिन कर देता है और कहता है, वर्ल्ड कैट तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से मुझे हर जगह टच मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, फिर उसके लिए तुम मुझे दोस्त मत देना, उफ तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो स्टूपिड, अब चलो शांति से कार में बैठ जाओ। तब लैंसन चिल्लाता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम हो स्टूपिड, समझ आया विभूषण स्टूपिड। तब विंग कहता है, चुप रहो तोते की तरह रटना बंद करो। तोता, यू मीन पैरोट, पैरोट कहाँ है पैरोट। वो इधर उधर देखने लगा और वहां से जाने लगा। विंग उसे पकड़ से फिर से उसे कार पर पिन कर देता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो, यहाँ कोई पैरोट नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें तो समझ भी नहीं आ रहा। लैंसन प्रिटी सा फेस बनाकर कहता है, तुम डर्टी के साथ झूठे भी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। और वो विंग के चेस्ट पर उसे मारने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगा, झूठे 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 कहेंगे। विंग उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। तो लैंसन चिल्लाता है, करके दिखाओ, मैं भी तुम्हें दोबारा किस करूंगा। वो कह तो किस रहा था पर वो समझ किक रहा था। वहीं विंग जब उसकी दोबारा किस करने के पास सुनता है तो कहता है, तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तब लैंसन कहता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ, मुझे सब समझ आता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ समझे। और वो खुद के हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी लेग से विंग के लेग पर मारता है। तब विंग उसे एकदम कार में एकदम पुश करता है और उसके दोनों हाथों को पिन करता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है, वो भी बहुत पैशन के साथ। धीरे धीरे उसके लिप्स पर बाइट करने लगा था
उससे अच्छे से टेस्ट करने के बाद तो वेंग उससे अलग होता है। लैनसन तो पूरा ठंडा पड़ गया था, वो तो पूरा शांत हो गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था ये अभी वेंग ने उसके साथ क्या किया। वो एकदम एक टक अपनी आइज को ब्लिंक करता हुआ वेंग की तरफ देखे जा रहा था। वेंग उसकी आंखों में देखते हुआ कहता है, मैंने कहा था ना अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। लैनसन थोड़ी देर तक तो साइलेंटली वेंग को देखता है, कुछ भी नहीं बोल रहा था, एक इनोसेंट पुअर चाइल्ड की तरह चुपचाप वेंग की तरफ देख रहा था। और वेंग उसे ऐसे देखकर अब थोड़ा टेंस हो रहा था, वो इस तरह से अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। तभी लैनसन एकदम से ब्राइट स्माइल करता है और कहता है, कगा आपने क्या किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये फिर से करना है। वेंग जो उसकी ऐसी बात सुनते हैं तो एकदम एक्साइटेड होकर कहता है, क्या सच में, क्या तुम ये फिर से चाहते हो। लैनसन हम से लाता है, तब वेंग उसे दोबारा से किस करने लगता है, वो भी बहुत ही रफ तरीके से, और उनकी किस काफी हॉट होती जा रही थी। पर कुछ सेकंड बाद लैनसन वेंग के चेस्ट पर मारने लगता है, उसे खुद से दूर करने लगता है। वेंग किस ब्रेक कर देता है, कहता है क्या हो गया, और वो सांसें ले रहा होता है। तब लैनसन कहता है, अच्छा नहीं लग रहा है। वेंग शॉक्ड होकर कहता है, क्या। लैनसन दोबारा कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और वो अपना मुंह बना रहा था, अजीब अजीब सा फेस एक्सप्रेशन थे उसके, और इधर उधर वही चक्कर लगाने लगता है और अपनी माउथ के ऊपर हाथ रखता है। तब वेंग को समझ आता है, शायद हो सकता है लैनसन को वोमिट करना है, उसने ड्रिंक तो किया था, हो सकता है ये ड्रिंक का असर है। तो वो लैनसन को अपने साथ वॉशरूम ले जाते हैं और लैनसन को पट के पास जाकर वोमिट करने लगता है। और फिर उसके बाद वो अपने फेस वॉश करता है, और फेस वॉश करते हुए वो बता रहा था, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करता, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने ड्रिंक कर ली, तेरे को अपने बीमार पड़ गया हो। स्टूपिड लैनसन, तुमने ड्रिंक क्यों की थी। उस खुद की चिक्स पर वो स्लैप लगा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, नहीं मेरी गलती नहीं है, उस विभूषण की गलती है, हाँ सारी गलती उसकी है, वही मुझे लेकर आया था, उसकी वजह से मैंने ड्रिंक की थी, कहा है वो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो वेंग को ढूंढने लगते हैं, वेंग जस्ट उसके पीछे खड़ा उसकी सारी बकवास सुन रहा था और एक कंफ्यूज फेस लिए वो बस लैनसन को ही देख रहा था, वो अब क्या ही कह सकते हैं। लैनसन पीछे पड़ता है और वेंग की तरफ देखते हैं, उसे अच्छे से देख लेने के बाद ऊपर से नीचे उसके पास आता है और अपने गीले हाथों से वेंग के कॉलर पकड़ उसे खींचता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। वेंग की आंखें तो बस बड़ी बड़ी हो गई थी। सीन यही कट होता है। अगले सीन में देखते हैं लैनसन की आंखें खुलती है, वो खुद को अपने अपार्टमेंट के रूम में पाता है। वो बेड पर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं और अपनी सर पर पकड़े रहते हैं, उसे याद नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे आया। फिर वो अपने दिमाग पर ज्यादा दौर ना डालते हुए फ्रेश होता है, रेडी हो रहा होता है और वो खुद के लिए कॉफी प्रिपेयर करते हैं और उसे आराम से पी रहे होते हैं। तो फिर वो देखते हैं विंग का मैसेज आया होता है जिसे वो रीड करते हैं, हे लैनसन गुड मॉर्निंग, अगर तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर देना, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, बस तुम्हें बस मुझे बस एक मैसेज करना होगा। जिसे रीड करने के बाद लैनसन उसे मैसेज करता है, विंग थैंक यू मुझे मेरे अपॉइंटमेंट तक छोड़ने के, पर तुम्हें मेरे अपॉइंटमेंट के बारे में कैसे पता। कुछ मिनट बाद विंग रिप्लाई करता है, न्यूज़न की वजह से। ओ लैनसन बस वो एक ही शब्द लिखता है। उसके कुछ मिनट बाद ही विंग लैनसन को कॉल करता है जिसे लैनसन पिक कर लेता है। तब विंग उससे पूछता है, क्या हम नाइट में जो कुछ भी हो उस बारे में बात कर सकते हैं। तब लैनसन पूछता है, क्या हुआ था नाइट में। ये सुनने के बाद विंग को समझ आता है नाइट का लैनसन को कुछ भी याद नहीं है, तो वो कहता है, इट्स ओके तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो जाने दो। तब लैनसन कहता है, विंग क्या हुआ था मुझे बताओ, कि मैंने कुछ किया था। पर विंग तो कॉल कट कर देता है। लैनसन तो बस थोड़ी देर तक तो फोन को घूरते ही रहता है, फिर वो दोबारा से विंग को कॉल करता है, पर विंग उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। अब लैनसन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, अब इसे क्या हो गया, अभी थोड़ी देर तो हमारी बात चल रही थी, इसने अचानक से कॉल कट कर दिया, अब मेरा कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। अब वो थोड़ा टेंस हो जाता है और उसे मैसेज करने लगते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे कॉल को पिक क्यों नहीं कर रही हो, किस बात के लिए नाराज़ हो चुके हो, मुझे रिप्लाई करो, मुझे जानना है नाइट में क्या हुआ था। तब वो जाकर
विंग फाइनली उसे रिप्लाई करता है कि तुम सच में सच जाना चाहते हो। लेंसन यस में रिप्लाई करते हैं। तब दूसरी तरफ से विंग स्माइल करता है और वो लेंसन को एक वीडियो सेंड करते हैं जो एक मूवी का ही सीन था। और लेंसन उसे देखने लगता है और उसे देखने के बाद भाई लेंसन को एक झटका लगता है, उसका फ़ोन ही उसके हाथों से छूट जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद वो इतना घबरा चुका था। उस वीडियो में दो मैन को बहुत ही इंटीमेट तरीके से लव मेकिंग करते हुए दिखाया गया था। अब लेंसन तो बुरी तरीके से सॉफ्ट हो गया था। ये विंग उसे इस तरह की वीडियो उसे कैसे भेज सकता है। वो इतना गुस्से में आ गया था और वो तुरंत विंग को कॉल करता है और कहता है, विंग ये क्या है, तुम मुझे इस तरह की वीडियो कैसे सेंड कर सकते हो, तुम कितने बेशरम हो, सिमलेस प्रोड कहेंगे। वो सुना ही जा रहा था तब विंग ने कहा, पर ये सब चीज़ें तुमने मेरे साथ की है, तब तो तुमने बहुत इंजॉय किया था, अब इसे देख कर चिढ़ क्यों रहे हो और गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सुनने के बाद तो लेंसन बिल्कुल शांत हो गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसने सच में ये सब किया है, हो ही नहीं सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उससे कहते हैं और फिर विंग से कहते हैं, विंग तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझसे कहो ये तुम्हारा कोई मजाक है, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, पनी करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ से विंग हंसते हुए कहता है, लेंसन मैं सच में तुम्हारा वो फेस देखना चाहता हूँ, मैं अभी वहाँ आना चाहता हूँ। और वो जोजो से हंस रहा था जिसकी आवाज़ लेंसन के कानों में सब सुनाई दे रही थी। वो कहता है, विंग, और उसकी इतनी गुस्से भरी टोन को सुनने के बाद विंग अपना हंसना बंद करके कहते हैं, लेंसन मुझे माफ़ कर देना, ये बस एक प्रैंक था और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। वो लेंसन को सच्चाई नहीं बताता, हालांकि वो चाहता तो था लेंसन को सब कुछ बता दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और इसे एक फ्रैंक बता देता है। और वहीं लेंसन थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम ना इस तरह का फ्रैंक मत किया करो वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, समझे। और यहाँ पर ये वाला पार्ट का एंड होता है। आपको कैसा लगा पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।